सियावर रामचंद्र शंकर मैं पुनः विधायक महोदया मोर बहिनी श्रीमती रंजना साहूल प्रणाम करत हूं, बहुत सारा आशीर्वाद। जोन बीड़ा आप उठाए हो दीदी, वो बीड़ा ला वो बात ला सबके बनाऊ, ऐसन हमर मन के आशीर्वाद है। और तो सीधी मारत रह दिन भर तहुल आशीर्वाद है, सिटी मारत रहा बजात रहा। धन्य है भूमि ये धरती जहां आप मन असन भगवान के भक्त मन जन्म ले है। इतना गर्मी में भी इतना जन बैठे हो, पसीना पसीना हो थे तबोले भगवान के भक्ति करेला पीछे नहीं हटत हो तुम। धन्य हो आपन और आप मन के माता पिता, ये जो तपस्या आपन करत हो अतिक गर्मी में बैठ के भगवान के कथा सुनत हो, एकर परिणाम एकर फल निश्चित रूप से भगवान आप मन ला दही, आपके हर मांगला हर मनोकामना ला भगवान अवश्य पूर्ण करी। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। जिनके सपने हमें रोज आते रहे, वो मन में समाते रहे, राम जी के सिवा कोई दूजा नहीं, कोई दूजा नहीं।
रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति के भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम क्या पेश करूं तुमको हमारी है क्या पेश करूं तुमको क्या चीज हमारी है क्या पेश करूं तुमको क्या चीज हमारी है क्या पेश करूं तुमको क्या चीज हमारी दिल भी तुम्हारा है ये दिल भी तुम्हारा है ये जान भी तुम्हारी है ये दिल भी तुम्हारा है ये जान भी तुम्हारी है रामायण रूपी सागर को मंथन करके देखो मत निकलेंगे चिंतन करके देखो उसी राम को पहले सर्वत अर्पण करके देखो सच्चे मन से प्रभु राम का कीर्तन करके देखो नक्शा तेरा दिलकश है नक्शा तेरा दिलकश है सूरत तेरी प्यारी नक्शा तेरा दिलकश है सूरत तेरी प्यारी है पावन धरा बोधा छापर के जम्मो रहिया नर नारी लैका मन सियान मन नौजवान मन आयोजन समिति के जम्मो पदाधिकारी गण सदस्य गण जम्मो नौजवान साथी मन सुंदर भगवान श्री राम के पावन दरबार के रथवाहक ये पावन मंच के मंच संचालक परम आदरणीय श्रद्धेय मोर बाबूजी मानस मर्मज्ञ मानस पुरोधा मानस की बारीकियों को समझने वाले और उसी तरह मानस का व्याख्यान करने वाले मैं परम आदरणीय श्रद्धेय बाबूजी श्री खूबलाल साहू जी के पावन चरणों में
दंडवत प्रणाम करता हूँ, आप स्वीकार कीजिएगा। और जैसा आशीर्वाद मुझे हमेशा मिला है आपका, वो आशीर्वाद आपका यूं ही मेरे सर पर आपका हाथ बना रहे। और साथ ही साथ हमारी आवाज को दूर तक पहुंचाने में जिनका अहम महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, ऐसे साउंड सर्विस वाले नौजवान साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। आप मेहनत करते रहें, आपकी मेहनत सफल होगी, प्रभु राम की कृपा आप पे जरूर बरसेगी, ये हम सबकी अपेक्षा है। भगवान से विनती है, अभी हम खाना खाल गए रहे बाबूजी, खाना खाल गए तो इतना गर्मी, बाप रे, एक कौरा नहीं उठत रही अंदर नहीं लीलात रही से। अब मैं महातारी मन ला देखत रहे हूं, बेचारी मन ऊपर दुरियल पानी लात बोई बोई के हौला हौला, कम से कम 10 ट्रिप हो गई लाने हुई हूं, इतना गर्मी में पानी लाना थे, फिर जावा थे, फिर पानी लाना थे, और अतिक गर्मी में चूल्हा जला थे ओकरे सामने में, सब्जी रांधा थे, भात रांधा थे, कैसे मन सहन करत हो भगवान, हमर पर इतना कठिन तपस्या करत है, ओकर मन पर जोरदार ताली बजाओ भैया। इतना सुंदर स्वादिष्ट भोजन के व्यवस्था मन करे है, मैं मन ला दंडवत प्रणाम करत हूँ, भगवान ओकर मन के सर्वस मनोकामना ला पूर्ण करवे, ओकर ला हर सुख देवे, संपत्ति देवे, संतान देवे, सभी मनोकामना लोकर मन के पूर्ण करवे। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। यूं तो हर शख्स का ईमान होना चाहिए, यूं तो हर शख्स का ईमान होना चाहिए, मगर शर्त इतनी है, पहले वो इंसान होना चाहिए। अभी अभी जनपद सदस्य परम आदरणीय बड़े भैया श्री अवनेन्द्र साहू जी कादरी से कि धर्मांतरण होते जिला रोकना है, मोरे बाबू जी बहुत अच्छा बात बोली, पागल मन के पीछे जा करके मुड़िल थोड़े ठठावेगा। कोई व्यक्ति अपने बाप को कभी भूल सकता है? सबके एक छन दादा होते, और जो अपने बाप को भूल जाता है तो उसकी क्या औकात है, ना इधर का ना उधर का, मरत रहा लटकत रहा बीच में। एकदम सीधी बात में, एक सरल बात में, कांग्रेसिया अगर भाजपा में ज्वाइन करी नहीं और कोई नहीं पूछे, कुकुर नहीं पूछे बोला, अब भाजपा वाला कांग्रेस नहीं था ओकरो उहिच गति है। तो जो अपने बाप को भूल गया वो अपने आप को भूल गया, तो अपने बाप को याद करो और जिस धर्म में पैदा हुए हो उस धर्म का पालन करो और सभी धर्म की इज्जत करो, बस यही भगवान कहते हैं, क्योंकि भगवान तो एक ही है, राम कहलो या रहीम कहलो एक ही है, नाम हमीच मन तूती ठन रख देगा, हमीच मन रखे तूती ठन नाम, ओकर गलती नहीं है, हमारे मन की गलती है, नाम ला तूती ठन रख दे, मैं रहीम कहा थे हराम कहा थे, लेकिन देने वाला एक है। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। यूं तो हर शख्स का ईमान होना चाहिए, मगर शर्त इतनी है, पहले वो इंसान होना चाहिए। हो जहां शिव की अजाने, हो जहां शिव की अजाने और अल्लाह की आरती, वो इबादत का हिंदुस्तान
होना चाहिए क्यों? क्योंकि तेरी रामायण मेरा कुरान है, तेरी रामायण मेरा कुरान है, मेरा खुदा तेरा श्री राम है, तेरा स्वर्ग जिसे मैं जन्नत कहता हूं सज्जनों वो कोई और नहीं हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तीन जन महातारी को रामहन हमन, तीन जन मात्र तीन जन महातारी, एक कौन महातारी? भारत माता पहला महातारी, दूसरा महातारी छत्तीसगढ़ महातारी, और तीसरा जो हमला जन्म दे है वो महातारी। तीन जन महातारी के कोरा महमन अभी हवन और ओकरे आशीर्वाद से हमर मन के पालन पोषण हुआ थे। देखो बोदा छापर की गली गली में संतों का लगता है मेला, आई है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की बेला। देखो बोदा छापर की गली गली में संतों का लगता है मेला, आई है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की। बोदा छापर की गली गली में संतों का लगता है मेला, आई है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की बेला। बोदा छापर की गली गली में संतों का लगता है मेला, आई है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की। बोलो राम जी राम जी, जय जय राम जी राम जी। हनुमान को मैं सुमिरन कर लूं, तुलसी है जिनका चेला, आई है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की बेला। बोला छापर की गली गली में संतों का लगता है मेला, आई है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की। बोलो राम जी राम जी, जय जय राम जी राम जी।
समंदर में भक्ति की गहराई है, ज्ञान के समंदर में भक्ति की गहराई है। अनुरागी बने बैरागी लक्ष्मण गोसाई हैं। श्री राम चरितमानस तुलसी की कविताई है और संकट मोचन बजरंग की भक्ति क्या रंग लाई है। जहां पारस मणि को छू करके लोहा कंचन हो जाए, राम कथा की क्षण क्षण में यह ज्ञान सुधा बरसाए, यह ज्ञान सुधा बरसाए। चलो भीड़ लगी है, चलो भीड़ लगी है, ए पागल पीछे तू रहना अकेला। आई है मिलन की बेला, शुभराई मिलन की बेला, बोला चमर की गली गली में संतों का लगता है मेला। आई है मिलन की बेला, आई मिलन की बेला, आई है मिलन की बेला, बुराई मिलन की बेला, आई है मिलन की बेला, बुराई मिलन की बेला, आई है मिलन की बेला, बुराई मिलन की बेला, आई है मिलन की बेला, बुराई मिलन की बेला, आई है मिलन की बेला, आई मिलन की बेला, मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की बेला। जय जय श्री राम। श्यापति राम चंद्र की जय। स्रासवित्त पादा पंकजम्, स्रासवित्त पादा पंकजम् करे विराज। कमलीय पुस्तकी विरंथ पुत्री कमला समस्त्र सरस्वती वाच मैत्र सदा अतुलित बल धामम है मैराव देहम धनुज बल कृषाणु ज्ञानी नामग्रगण्यम सगल गुण निधानम वाराणसीधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्यापति राम चंद्र की जय। श्रद्धे संतजन, गुरुजन, विप्रजन, यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति प्रबुद्ध जन, निर्छिर विवेकी विद्वान जन, श्रद्धे उद्घोषक मन, श्रद्धामयी माताएं, नन्हे मन्ने बाल गोपाल, आप सबों के श्रीचरण में श्री राम रहीम मानस मंडली की तरफ से कोटि सा प्रणाम, कोटि सा प्रणाम।
परम सौभाग्य है कि हम भगवान श्री राम और माता सीता के रूप में दर्शन पाकर कृत कृत हुए, जिसमें एक सुंदर सा और लाभ मिला, वो है प्रसंग पुष्प सुंदर कांड एक। ये प्रसंग निश्चित ही समाज को अत्यंत सुख देने वाली कथा है, जहां दिशा प्रदान करने वाली कथा है, हम कहां भटके हैं उस मार्ग में प्रशस्त करने वाली कथा है। आओ आप सबों के लिए एक सुंदर सा हनुमान ते ही परसा कर करे पुनि किन्ह प्रणाम राम काज किन्हे विन मोहि कहां भी श्राम सियापति राम चंद्र की जय। पहली बात तो ये विश्वास करो जितने लोग आए हैं उन सबका सौभाग्य है, शरीर अच्छा है, मन अच्छा है, बुद्धि अच्छी है, सब परिपक्व है, तब ये सत्संग हो पा रहा है। और जो अस्वस्थ है, शरीर में बल ही नहीं है, समझने की ताकत नहीं, हो क्या समझेंगे। कई लोगों के जीवन में ऐसे देखने को मिला है, जब शरीर पुराना हो जाता है तो कुछ भी समझ में आता है ना, कान सुनाई पड़ता है ना, आंख देख पाती है ना, बुद्धि सोच पाती है, कुछ भी नहीं, सोचने की ताकत खत्म, तो सत्संग कैसे होगा। आज जिनको अवसर जो मिला है परमात्मा की असीम कृपा, लेकिन ये बात को विश्वास करो कि हम भगवान के भजन क्यों करें, इस पर विचार करें। बहुत दुख ते दुख की खानी जब बाजी है जब राम ही जानी, राम ही जानी युक्ति ते चली युक्ति ही ते फंद नहीं पड़े। अरे बहुत योनि के बाद तो ये अवसर मिला है, वो है मानव तन। हम कहां थे पता नहीं, कौन कौन सी योनि में, हाथी घोड़ा कई प्रकार के जीवों में हम सब थे, सब दुख पाए वहां पर, कितने प्रकार के दुख मिला होगा। और तब हम यहां आए, तब भगवान के भजन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, तो किस लिए, केवल कल्याण के लिए। बहुत दुख थे दुख की खानी, लेकिन अब भी जब बाजी है जब राम ही जानी, उस दुखों से यदि बचना हो, बार बार भी उस योनि में नहीं जाना हो, तो राम को पहचानो, राम के नाम को समझो, राम के जीवन को जानो। बहुत दुख दे दुख की खानी जब बाजी हो जब राम ही जानी, राम ही जाने युक्ति ते चले युक्ति ते फंद नहीं पड़े। भगवान राम के जीवन को जब पहचानोगे तो उसी के अनुसार चलना हम सीख जाएंगे, और वैसे जब चलेंगे तब वो दुख आने वाला नहीं, पुनरावृत्ति नहीं होगी दुख की, केवल सुख ही सुख। वो सुख कहां मिलेगा, तो केवल संतों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से। जे श्रद्धा संबल नहीं नहीं संतन कर साथ, जे श्रद्धा संबल नहीं, जेकर जेकर मन में श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, तो बड़ा बताओ आपको क्या मिलेगा। जे श्रद्धा संबल नहीं नहीं संतन कर साथ, तिनके मानस अगम यति जिन्हीं प्रिय रघुनाथ। कथा वो मल्ल समझ में नहीं आए जैन मन भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखे, कथा वो मल्ल समझ में नहीं आए जैन मन भक्ति नहीं रखे। ये दोनों चीज जरूरी है, श्रद्धा और भक्ति के सामंजस्य से ये राम कथा अपने आप समझ में आते। तो हमला जो प्रसंग मिले है वो इतना सुंदर कथा है कि भगवान श्री राम के भारिया माता सीता के पता लगाए खातिर बार जैन पूरा बानर समाज में सब जन निवेदन करें कि केवल एक जन आदमी है, वो है केवल हनुमान। जैसे तुमन एक जन आदमी चुने सरपंच, एक जन आदमी चुने तुमन पार्षद, एक जन आदमी चुने विधायक, तुम्हार मन की योग्यता में कि ही आदमी काम के लायक है, ठीक वैसे ही बानर समाज में सब जन चयन करें
कि केवल हनुमान के सिवाय ये काम लाऊ कोनो नहीं कर सके। तो बोले ये कर जन्म का कर जन्म हनुमान के जन्म तो केवल भगवान के काम पर ही हो। जामवंती के बचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय यति भाए। हनुमान जी कहते हाँ अभी अच्छा लगी, अभी अच्छा लगी कि मोर जन्म तो हनुमान जी बननी हमरो तोर एकरो ये कोने जानता। अभी खान खान कहा इसने खान माने पठान मुसलमान एकरो जन्म। जामवंती के बचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय यति भाए। का कर लिए भगवान के काम के लिए, भगवान के काम के लिए का माने अपने घर में रान पका के खाए बर वो भगवान के काम न होए। हर कोई के आदमी काम है कि भगवान के जतका प्राणी दे है जतका झन जन्म ले आए है ओला सब सुख देवर हमार सब के कर्तव्य है। हम ओकरे बड़ा है वही ना सुख देवर। जीव बिना जीव बाचे नहीं जीव ही जीव के आधार। जीव दया कर पालिए पंडित करो विचार। आए जीवों ये प्राणियों ये सारे जीव हमारे हैं और ये हमारे भगवान श्री राम हैं। इन्हीं को सुख देने के लिए हम आए हैं। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। भगवान श्री राम की सेवा के लिए हनुमान लाल जी जाते ना तो कहीं हनुमान जी अच्छा लगे हाँ जामोती अब ठीक है कि मोर जन्म भगवान की सेवा के लिए है। ये सारा भगवान की सेवा के लिए मुला आज मौका लगे है कि सिया राम में सब जग जाने सब राम है एकर सेवा के लिए हमर मन की भावना होना चाहिए। तो हनुमान जी कहां निकली लंका की ओर प्रस्थान करें देखिन का एक ही बार में जो जा सकते एक ही बार में वही आ सकते दूसरा नहीं। 400 योजन ए लंका ला पार करे खातिर बार हनुमान बीड़ा उठाइन तो कहा गिन समुद्र के तट में और गिन तो एक ही छलांग मारी तो सीधा आगे निकल गए। और जिन जगह से छलांग मारी जहां पैर रखी वो पर्वत तो सीधा पताल चलेगी। अत्यंत ताकत काकर द्वारा भगवान श्री राम के नाम के द्वारा विश्वास करो। यदि आप समाज के काम के लिए अपन बीड़ा उठा लो मैं केवल अपने घर के लिए नहीं हूँ ये समाज के लिए भी ये दुनिया के लिए ये भी मोर कर्तव्य है। मोरे बेटा मोर बेटा नो है पड़ोसी के बेटा के हित करना भी मोर कर्तव्य है। मोरे दाई के लिए मैं केवल नहीं हूँ ये दूसरा महतारी भी मोर लिए है ओला भी सेवा करके देखन ये हमार भावना होनी चाहिए। हनुमान दाजी जब गिन तो देखिन का समुद्र के थे भैया वो हनुमान जा थे ना एक कन मदद करो थक थुक आ जाए गड़बड़ हो जाए तो मैनाक पर्वत भेज दिए। मैनाक पर्वत गिन तो कहिस के भैया आराम कर ले तो कहिस ना हनुमान ते ही परसा कर कर पुनि किन्ह प्रणाम राम काज किन्हे मोहि कहां बिसरा सियापति राम चंद्र की जय। हनुमान महाराज जी किसकी मैं केवल एक ही धारणा से निकले हो जब तक भगवान श्री राम के काम नहीं हो जाही तब तक मैं आराम करे वाला काम नहीं करा। लक्ष्य ले चलना चाहिए। चलते चलते पग थका नग्र नहा नौ कोस ये बहुत बारीक बात है। आप कोई भी काम संकल्प ले चलते ना बीच में विराम ना दिया करें। चलते चलते पग थका नग्र रहा नौ कोस बीच ही में डेरा परा कहो कौन को दोष। ये कातल बोर्ड कतका दूरी आएगा और छह घाल बैठबे और साइकिल पंचर हो गए महात नहीं पहुंचाते बैठबे साइकिल पंचर हो गए और संकेत है रेंग में धीरे धीरे पैदल जाते तो पहुंच जाते लेकिन आदत पर गए ना विश्राम करे के विश्राम करे के जो आदत है वो गलत है। अपने मंजिल तक जाने का प्रोग्राम करो अपने मंजिल तक। ये मंजिल क्या है तो बोले अपना मंजिल कल्याण है। सबसे पहला काम कल्याण हमारा मंजिल तब पूरा होगा जब हम कल्याण पूरा कर लें। जैसे भगवान श्री राम के काम पूरा होना ही हमारा काम हो वैसे ही हमारा कल्याण समाज के कल्याण अपना कल्याण ये पूरा हो जाए यही हमारा मंजिल है। साथियों हनुमंत लाल जी कितना अच्छा सोच रखे राम काज किन्हे बिन मोहि कहां विश्राम।
महतारी मन से निवेदन, काम करत करत कबू थकना नहीं चाहिए, ये पहली बात सोचो। वो देख हमारे दाई बैठे, वो हमारे बुआ बैठे ना, ओकरे संग में खाना खाए वक्त को याद है। तो मैं कहे दीदी ते हमारे दीदी के मुहूर्त में है वो, लेकिन दीदी हमारे मर गए 15 दिन हो है, फिर से जिंदा होगा आगे ते है वो हमारे दीदी जिंदा होगा है। मतलब अरे सब हमारे दीदी, मतलब हम सब ला वही पढ़ावे जाना है। कहाँ मरते मरते जगमुआ मुआ न जाने कोई, ऐसे हुए कि न मुआ बहुरी न मरना होए। ये हमार खूबलाल बाबा देखा था ना, मैं जब ले देखा था वो इसने अच्छा। हाँ एक को कोनी ट्रस्ट के मस नहीं हो है। अब यही मत हमारे गुरु का ये सूरदास होती छाटा वाला वही डहर है छाटा में, अब ये डहर के काताल बोल यही मन हमारे गुरु है। रामायण के हमार प्रारंभिक गुरु ये मन हरे, ये मन शिक्षा दे है जो कहें कि सचमुच यदि राम कथा पढ़ना है सुनना है तो भीतर ल पहली सवार लो, ये भीतर की जरूरत है, ये भीतर अच्छा हो ही ना। धर धर नी कर ये कई देखा, जस भीतर तस बाहर देखा। बीहत माने भीतरी और बाहर दोनों जब एक हो जाए ना तब जीवन एकदम अच्छा हो जाते, बिल्कुल एक ही प्रकार के। जिसने कथनी तिसने करनी, जस कथनी तस करनी, तस चुंबक तस ज्ञान, कहे कबीर चुंबक कैसे जीत संग्राम। कथनी और करनी की एकता, कथस अलगे और कर्थस अलग, इसने हम काम नहीं बने। एक भजन के साथ चलतन, श्यापति राम चंद्र की जय। संगवारी हो ये मानव तन हमला मिले है, ये मानव चोला हमला मिले है, तो एक उद्देश्य है। रहन दे जैसे है तैसे रहन दे भाई, मत कुछ नहीं हो सके भाई, मोर तकदीर खराब है आज। ये मानव तन मिले है, एकरो पीछे कोई उद्देश्य है। ऐसने थोड़े मिल गएगा 84 लाख क्यों नील भुगत के फिर आए हस ई तनवा। वो उद्देश्य लामन भुला गए हम, जेकर कृपा से मानव तन ला पाए हस उहिल भुला गए हस। लेकिन वो देखा थे, सब देखा थे, काय करत हस काय नहीं करत हस, अच्छा कार्य करत हस बुरा कार्य करत हस, काकर चुगली करत हस काकर निंदा करत हस काकर घल्ला फोरत हस काकर घल्ला बनावत हस, सब देखा थे वो। काया भित्री आत्मा बन के देखत ऊपर वाला, देखत ऊपर वाला। काया भी तेरी आत्मा बनने के देखत ऊपर वाला, आत्म ज्ञान बिना ते भटके, आत्म ज्ञान बिना ते भटके, धर के रे कंठी माला देखते ऊपर वाला। काया भी तेरी आत्मा बनने के देखते ऊपर वाला, देखते ऊपर वाला।
अबीर था करे ऐसन करे कच्चे धागे में बंधा चला आए ऐसे जैसे कोई ओ, ओ ऐसे जैसे कोई दीवाना ऐसे जैसे कोई दीवाना नहीं जाना तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना दूर से गयो सगयौ साथी तोरे बेटयौ नाती ये मन तोला खूंद खूंद के दे जाही रे माटी फाट जाही तोर छाती जे मन लाते अपन मोके संगी खवाए निवाला देखते प्रेम से बोलो जय जय श्री राम श्यापति राम चंद्र की जय हनुमान जी और जामवन बानर दल में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध प्राप्त करे हुए जामवन काकी जानतो कवन सुकाज कठिन जग माही ये मंत्र सीख ले रहा तुम्हार काम आही जब तकलीफ आ जाए तब कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होते तात तुम पाही तोर द्वारा ऐसे कौन से काम नहीं हो सके हनुमान जी यही मंत्र नान के कही चलो ना ओकरे बड़बड़ाइए अतकी कहा तेरी है तुम्हारे भीतरी के बड़े बड़े दुख के निवारण हो जाए ये रामचरित मानस है अभी कहा तेरी ना कि धर्मांतरण हो थे तुम्हारा विश्वास ही नहीं है सांप धरल जाते मंत्र नहीं मालूम है रब ले धर देते चाभी इतनी बात चाभी बताओ चाभी चौथो अरे भाई, भाई ये राम कथा है तुमन जो मतलब देखा था ना वो डोकरा देखा थे मोह डोकरा छोटे मोटे दुरिया नहीं हो अब्बर दुरिया हो गया
अब्बा जी के डोकरा धर धर के लाते मन गाड़ी में से धर थे एक डोकरा गिरे झन की चुप पे लाते मन सुना था आओ ये आदरणी जोन इकबाल खान जिन कहा था सुना तेन हमार तीरे में मोर संग के रहैया मोरे बगल में रथे जिन आज हमार मन के सानिध्य में आज हिंदू कहलाने वाले मन निरंतर मांस मछली के सेवन करते हैं पर ये बालक भगवान और भी संभल दे जिन आज मांस मदिरा से दूर है तो बताओ ब्राह्मण कौन है ब्राह्मण तो वही है ना जो ब्रह्म के पालन करे ब्रह्म जनाज ब्राह्मण प्रशांत आत्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते विस्थित मन संयम ममा चित्तो उक्त आसित मत पर प्रशांत ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित रहने वाला आत्मा ही ब्रह्म के प्राप्ति करते ये महात्मा हनुमंत लाल जी अखंड वराग्वान और यही भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा पूजा होने वाला यही हनुमान जी हरे हैं हमार दाई मन सब जानते हैं एकर पूजा नाना लड़का मन करते कारण ब्रह्म के प्राप्ति करने वाला यही हनुमान जी है जन्मा विशुद्ध रूप से ब्रह्मचारी है और जब ब्रह्मचारी है तेही परमात्मा की प्राप्ति करते ओकरे संग चलन पीछू पीछू चलन तब तो देवता मन की देखो तो वो हनुमान जात है ते हनुमान जी भगवान के काम पूरा कर पाई कि नहीं कर पाई जाति पवन सुत देवन देखा जाति पवन सुत देवन देखा और जाने कहूं बल बुद्धि देखा भगवान को पूरा काम कर पाई कि नहीं कर पाई काबर कहां जाते तो बोले लंका की ओर जाते कि माता सीता कहां है पता लगाए जाते शायद ये वापस आ पाई कि नहीं पाई बुद्धि लगा पाई कि नहीं लगा पाई सुरसा नाम यही के माता पठी हन आई कहे तही बाता ये सब घर के बातेगा कोई काम न सोपथन ना तेरे हमार गांव सियान के लेके ही आदमी सोपाओ यही ईमानदार है यही अच्छा है ये बिल्कुल अनेर थे और सब लोग माया दुलार देते ऐसे विश्वास करता नहीं वो इसने वो बानर सेना में सब जन विश्वास करें तो इसने देवता मन घलो भेजे हैं जाओ तो पता करो तो सर्प मन के माता ला भेज दिस ज्यादा ही देख तो होला आज सूरन मुहि दिन है आहारा ठीक है भाई तुमन जब कही दे परीक्षा लेबर तो जात हो वो माता सुरसा परीक्षा लेबर का कर गए हैं तो हनुमान के एकर बल कब का है एकर दिमाग कब का है मतलब दिमाग की जरूरत है ना हर आदमी का अगर दिमाग चाहिए तो खान पान अच्छा चाहिए युक्त आहार युक्त विहार युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनाओ योगो भवति दुःखा यदि आप निरंतर सावधानी से खाना खाएंगे पीना पिएंगे आराम से सोएंगे समय पे सोएंगे निश्चित ही आपका जीवन सुखमय होगा और पूरा ब्रह्मचर्य पालन होगा और आपका जीवन कल्याण होगा ये भगवान हनुमंत लाल जी के परीक्षा के लिए माता सुरसा जपके हैं आज सुरन मोहि दिन है आहारा सुनत बचन कह पवन कुमारा सुरसा माता का थे आज बड़का शरीर वाला घन मिले आज ही अच्छा है मोर खाए के लाइक आज मोला ये हनुमान जी है खाए बर मिले है यही मोर हार बर मिले है तो हनुमान जी कथे काला खावे दाई में तो दूसरा काम में जात हूं का काम में जात हूं जा? तो मैं तो राम काज में जात हूं दाई भगवान राम के माता सीता के पता लगा जात हूं राम काज करी फिरी मैं आओ अभी मैं जात हूँ माता सीता के पता लगाए बार रोती रहा हूँ धाने कोलकाता का खाग मनत खा ले सुरसा का थे वैसन कैसे काम चल ही अभी मोला भूख लागत है काली थोड़े खाऊं बोला सीता माता के पता लगाए बार जात हूँ तब तब बदन बैठी हूँ आई सत्य कहो मोहि जाने दे मां अरे बिना के तो मुंह में आ जाऊं मैं तोला खाए बर चिंता करे जरूरत नहीं है मैं सच कहा था झूठ नहीं कहा था कवन हूं जतन तेई नहीं जाना
श्यापति राम चंद्र की जय। एक भजन की ओर चलो, आइए एक भजन के निवेदन करथन। श्यावर राम चंद्र की जय। काहे के दिया बर गे रैया राता नाप, काहे के दिया ही गुला झूमा भैया, काहे के दिया ही गुला झूमा। घर घर पाती हो घर घर कलश मढ़ाई हो मैया, घर घर कलश मढ़ाई हो घर घर दिया माता, घर घर पाती हो घर घर कलश मढ़ाई हो मैया, घर घर कलश मढ़ाई हो। नवरात ज्योति मोरे माता भवानी के बर के दिया हो जगोर होमा, बर के दिया हो जगोर होमा। नवरात ज्योति मोरे माता भवानी के बर के दिया हो जगोर होमा, बर के दिया हो जगोर होमा। कर दिया भर के गोला झोमा मैया, का कर दिया भर के गोला झोमा, का कर दिया भर के मैया रैया भरा तना फूल, का कर दिया भर के गोला झोमा, दिया भर के मैया रैया भरा तना फूल, का कर दिया भर के गोला झोमा। चंदा दिया भर के मैया रैया राता ना फूल, सूरज दिया भर के गोला झोमा मैया, सूरज दिया भर के गोला झोमा, चंदा दिया भर के मैया रैया भोला ना फूल, सूरज दिया भर के गोला झोमा, चंदा दिया भर के मैया रैया भोला ना फूल, दिया भर के गोला झोमा। I'm gonna make you mine।
जगिया वर्ग रैया राता ना पुल पूरी माई के दिया ही बोला धुआं रैया पूरी माई के दिया ही बोला धुआं पापा माई के दिया वर्ग रैया मर राता ना पुल पूरी माई के दिया ही बोला धुआं माला रैया मर राता ना पुल दिया ही बोला घर घर दिया माता घर घर बाकी हो घर घर कलश मनाए हो भैया घर घर कलश मनाए हो भैया घर घर कलश मनाए राजा रामचंद्र की जय।